आर यू स्टिल असलीप? व्हाट आर यू स्टिल असलीप? क्या आप अभी सो रहे हैं? संकुज वाइफ सेड जेंटली आस्किंग हिज शोल्डर्स, शोल्डर मतलब कंधा, और शेकिंग मतलब हिलाते हुए, जेंटली मतलब प्यार से, शंकु की पत्नी ने बड़े प्यार से उसके कंधे को हिलाते हुए कहा, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य उदय हुए काफ़ी समय हो गया, आप अभी सो रहे हैं? श्रीमती जी ने प्यार से कंधे हिलाते हुए कहा, सूर्य उदय काफ़ी पहले हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस मीन तुरंत, शंकु ने तुरंत अपनी गर्दन ऊपर कर ली अर्थात उठ बैठा। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना या चलना, हम लोग मोस्टली गांव में यूज करते हैं कि वो रेंग रहा है, तो क्रॉल मीन्स रेंगना होता है। क्रॉल अप टू हर एंड आस्क्ड शंकु, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे? हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को उठा लिया, हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसके पीछे चल रहा था, रेंग रहा था, एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या आज आपको काम में नहीं जाना है, क्या आज आपको काम में नहीं जाना? ओ यस ही सेड, उसने कहा, अरे हाँ, एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, प्रभाव है भैया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन ए हरी, कोर्ट यार्ड मीन्स होता है आंगन। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन ए हरी, वह शीघ्रता में जल्दबाजी में आंगन से निकल पड़ा। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस बम्बू फॉलेज ऑन द ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा से आने वाली सुबह की सुनहरी किरणें जो बांस के पत्तों में से गुजर कर आ रही थी, देखा देखते हुए निकला। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैज, और चमकता हुआ घास फूस का छप्पर। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने रोज की तरह अपने हाथ मुंह धुले। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, और अपने काम वाले कपड़े पहन लिए। वह शीघ्रता से आंगन से निकला और सुबह की सुनहरी किरणें जो बांस के पौधों में से पूर्वी दिशा में से गुजर करके बांस के पौधों में से पड़ रही थीं, उनको देखते हुए, और जो जिसकी वजह से घास फूस का छप्पर चमक रहा था अर्थात उस पर भी वो किरणें पड़ रही थीं। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने रोज की तरह अपने हाथ पैर धुले। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, अपने काम वाले कपड़े पहने। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और कारखाने के लिए रवाना ही होने वाला था, अबाउट टू का प्रयोग है, और कारखाने के लिए रवाना ही होने वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, जब श्रीमती जी ने कहा, क्या कहा? लिसन सुनिए यू मस्ट बाई सम आइनमेंट। आइनमेंट मीन्स होता है मल्हम फॉर द चाइल्ड। आइनमेंट मीन्स क्या होता है? मल्हम होता है। सुनिए, बच्चे के लिए एक मल्हम अवश्य खरीद लाइएगा। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, कमांडिंग लुक मीन्स होता है आदेशात्मक दृष्टि। ऐसी वैसी दृष्टि नहीं थी श्रीमती जी की भैया, कमांडिंग लुक थी। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने उसके ऊपर आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु ने महसूस किया, दैट ईच ऑफ द सोर्ज, सोर मतलब होता है घाव फफोले, ऑन द चाइल्ड फास्टरिंग बॉडी,
वाज स्टेरिंग एट हिम। स्टेरिंग स्टेर में घूरना होता है। एट हिम इन ए ग्रू समवे। शंकु ने ऐसा महसूस किया कि उसके शरीर पर पड़े हुए फफोले उसकी तरफ घूर रहे थे। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस। एक पल खामोशी में चुप्पी में गुजरा। व्हाट सॉर्ट ऑफ आइनमेंट शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। शंकु ने बेकूफ बनते हुए मूर्ख बनते हुए पूछा। पता सब है बेचारे को, कहीं ऐसा ना हो कि देवी जी नाराज हो जाएं। तो क्या कहता है, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। शंकु ने मूर्ख बनते हुए पूछा, व्हाट सॉर्ट ऑफ आइनमेंट किस प्रकार का मलहम। आइनमेंट फॉर द सोर, घाव वाला मलहम। बुद्धू के बुद्धू बने रहना। आइनमेंट फॉर द सोर, घाव वाला फफोलों वाला मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, श्रीमती जी ने लगातार बात को दोहराई। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्ज ऑल ओवर द चाइल्ड बॉडी। अरे इसका मतलब ये है कि बच्चे के शरीर पर पड़े हुए फफोलों पर आपका कोई ध्यान नहीं है। बस कोई मतलब नहीं, घर से सब मेरे मत्थे है। बच्चे के शरीर पर पड़े हुए फफोलों से आपका कोई मतलब नहीं, आपने देखा नहीं है। यस हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ आइनमेंट, कितने पैसे वाला मलहम।